Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmed Hassan, and I'm research officer in Intelligent Criminology Research Lab in UIT Lahore. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का वो है ऑन नोड डीप लर्निंग. तो सबसे पहले हम इसका कुछ एजेंडा देख लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वेबिनार के अंदर और क्या आउटलाइन होगी हमारा, क्या फ्लो होगा हमारी प्रेजेंटेशन का. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट करंट पैराडाइम्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम्स एंड देन द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल सर्विलेंस सिस्टम. इट कुड बी अ मैनुअल एंड इट कुड बी ऑटोमेटिक सर्विलेंस सिस्टम. देन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ करंट चैलेंजेस टू सीसीटीवी सर्विलेंस, जो कि हमारी जो चैलेंजेस हैं करंट ट्रेडिशनल सर्विलेंस सिस्टम्स के अंदर, तो उनका सॉल्यूशन थ्रू ऑन नोड डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम. और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जो कि इतनी प्रोसेसिंग पावर देती हैं हमें, या जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो हमारे डीप लर्निंग के मॉडल्स को नोड के ऊपर इन्फ्रेंस कर सके, रन कर सकें रियल टाइम में. देन वी विल डिस्कस अबाउट टेंसर आरटी, व्हाट इज टेंसर आरटी एंड देयर बेनिफिट्स. फिर हम उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग हमारे जो मॉडल्स हैं, प्री ट्रेन मॉडल्स भी हो सकते हैं, ये सेल्फ ट्रेन मॉडल्स भी हो सकते हैं, कि उनकी कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं थ्रू टेंसर आरटी. एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे स्पीड के ऊपर, कितनी एफिशिएंसी हम अचीव करते हैं इसी से. और उसके बाद फिर हम कुछ डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स हैं उनकी कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे. इट जस्ट ओवरव्यू, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हम इसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमें जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को कन्वर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं. तो इसमें स्पेसिफिकली हम YOLO वर्जन 3 को देखेंगे. फिर हम इसके कुछ प्रैक्टिकल रियलाइजेशन और देखेंगे कि हमारे क्या इम्प्रूव होता है इसमें, जो हमने कुछ प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं तो उनके कुछ रिजल्ट्स आपसे शेयर करूंगा. तो फिर एंड पर हम कुछ इस रिसर्च का इम्पैक्ट देखेंगे सोसाइटी के ऊपर. और एट लास्ट हम कुछ जो ऑन नोड सॉल्यूशंस हैं हमारे उनकी कुछ फीचर्स देखेंगे और उनकी कुछ वीडियो डेमोंस्ट्रेशन है. और एट द लास्ट हम कंक्लूड करेंगे अपने वेबिनार को, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको देखेंगे लास्ट के ऊपर. तो सबसे पहले हम पैराडाइम्स, करंट पैराडाइम्स के अंदर देखते हैं कि सर्विलेंस सिस्टम किस तरह काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम है वो ऑलमोस्ट देखें तो वो सिक्योरिटी कैमराज के ऊपर शिफ्ट हो गया है जी. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स रखना या इस तरह की चीजें करना, हम उधर से निकल के हम कैमराज के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं और कैमराज के थ्रू हम सर्विलेंस कर रहे हैं. और ये कैमराज हैं जो वो इट कैन बी अ सीसीटीवी कैमराज एंड थर्मोग्राफिकल कैमराज. सीसीटीवी कैमराज जो हमारे आम नजर आते हैं हमें सर्विलेंस सिस्टम्स के अंदर लगे हुए, जो कि हम देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्कूल के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर आईपी कैमराज लगे होते हैं. ये जो होते हैं ये आरजीबी कैमराज हैं. देन थर्मोग्राफिकल कैमराज होते हैं जो कि हमें थर्मल इमेजरी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट की. तो इसके यूसेज भी आजकल काफ़ी हैं, जैसे कि आजकल COVID-19 की वजह से थर्मल इमेजरी के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, जिसे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमंस की जो है वो टेम्परेचर सेंसिंग कर रहे हैं. क्योंकि COVID-19 के अंदर हमारा सबसे बड़ा जो सिम्टम्स है वो हमारे पास फीवर का है, तो फीवर डिटेक्शन के लिए हम थर्मोग्राफिकल कैमराज को यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट थर्मल सेंसर जो हम यूज़ कर रहे हैं. तो वीडियो स्ट्रीम्स की जो हम जो प्रोसेस करते हैं उनके अंदर हमारे पास पर्सन अथॉराइजेशन है, जिनमें पर्सन रिकग्निशन भी कह सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, साइट सर्विलेंस है, प्रोबिटेड एरिया सर्विलेंस है. ये चीज़ तरह के काम होते हैं, यानी कि हमारी जहाँ एप्लीकेशन यहाँ चल रही है. और इस जो एप्लीकेशन है ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी हो सकती हैं, यानी कि बाउंड्री की सर्विलेंस करने के लिए, और इसमें कमर्शियल एरियाज के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, वेयर हाउस की सर्विलेंस के लिए, इंडस्ट्री के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं इनको, हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर हमारे जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं उनको इंश्योर करने के लिए, मिलिट्री के अंदर ऑब्वियसली यूज़ हो रहे हैं, और देन सिटीज एंड टाउन, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट टाउन के अंदर हम कैमराज के थ्रू काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ऑटोमेशन कर रहे हैं. तो ये तो है हमारे करंट पैराडाइम्स हमारे सिक्योरिटी का, कि हमारी सिक्योरिटी सर्विलेंस जो है, हम सर्विलेंस सिस्टम जो है हमारा किस जगह पर प्लेस कर रहा है, कहाँ पर है. देन हम इसकी देखें एप्लीकेशन साइट्स देखें, तो इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन साइट्स जो है हमें नजर आती है लाहौर के अंदर, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है. तो इसके अंदर हमारे पास ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम भी सारा कैमराज के थ्रू हो रहा है,
और हमारे पास इस तरह ही जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनकी ऑटोमेशन है, देन हमारी जो वायलेशंस मॉनिटरिंग है जिसके अंदर हम जो है लाइन जो इशारा तोड़ना है, सिग्नल सिग्नल वायलेशंस है, उसके अलावा हमारे लेन वायलेशंस है, इन सारी चीज़ों की हम ऑटोमेशन कर रहे हैं इस सर्विलेंस के अंदर। देन हमारे पास ये सर्विलेंस जो है लाहौर के एंट्री पॉइंट्स के ऊपर भी है जहाँ पर हम गाड़ियों की सर्विलेंस कर रहे हैं, नंबर प्लेट रिकग्निशन और एटसेट्रा वगैरह। तो इसके अगर हम देखें परस्पेक्टिव से तो मेरे ख्याल से यानी कि जो फिगर्स भी हैं हमारे पास सेफ सिटी के अंदर जो कैमराज लगे हुए हैं वो ऑलमोस्ट 10,000 कैमराज लगे हुए हैं जो कि कंटिन्यूसली स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं और ये हाई लेवल स्ट्रीम है। तो जो हर कैमरा की स्ट्रीम जो है वो हम सेव कर रहे हैं और देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। जो प्रोसेसिंग है वो इट कैन बी अ मैनुअल और ऑटोमेटिक, जिसमें हम लोग जो हैं वो कुछ मैनुअली बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं उन स्ट्रीम्स को, और कुछ कुछ हद तक हमारी जो इसके अंदर जो सर्विलेंस है वो ऑटोमेटिक है इसके अंदर, कि ये एक हाइब्रिड किस्म का एक सिस्टम है इसके अंदर। अच्छा, अगर हम इसको एक सिटी से निकलकर एक बड़े प्रोविंस की तरफ देखें तो अगर फाइव बिग सिटीज के अंदर हम ये सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है ये इनिशिएट हो रहा है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास मोर देन 50,000 कैमराज होंगे। तो इसमें और इसके अलावा 50,000 कैमराज होंगे और ये कंटिन्यूसली स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं जिनको हमने प्रोसेस करना है मैनुअल या ऑटोमेटिक। तो ये तो एप्लीकेशन है कि हमारे पास कितना डाटा जनरेट हो रहा है और हम इसके फर्दर देखते हैं कि हम इसकी सर्विलेंस कैसे कर सकते हैं और किस तरह की जा रही है, और फिर इसके देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे कि जो इतना बड़ा डाटा जनरेट हो रहा है हमारे पास इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो इसमें यह है कि सबसे पहला तो हमारे पास ये है कि मैनुअल जो हमारे पास प्रोसेस है उसके अंदर हम सबसे पहले हमें कंट्रोल यूनिट विद मॉनिटरिंग पर्सन, हमारे पास जितना भी मैनुअल जो रिकॉर्ड आ रहा है हम उसको मैनुअली मॉनिटर कर रहे हैं, मैनुअली सर्विलेंस कर रहे हैं उसकी। तो इसमें क्या होता है कि एक तो हमें बहुत ज्यादा ह्यूमन पावर की जरूरत होती है कि 50,000 कैमराज को मॉनिटर करने के लिए, अगर ज्यादा नहीं तो 50 कैमराज को मॉनिटर करके हमें 10,000 जो पर्सन है वो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए हमें। और दूसरे नंबर पे हमारी जो ह्यूमन नेग्लिजेंस होती है वो किसी भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रीच कर सकती है कि ह्यूमन जो है फुल टाइम अटेंटिव नहीं रह सकता, इमोशंस हैं इसके अंदर और दूसरी चीजें फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरह सर्विलेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद स्पूफिंग आ सकता है, हमारे पास डिफरेंट अटैक्स आ सकते हैं इसके अंदर। तो इस ये सारे मैनुअल जो सर्विलेंस के अंदर ये इसकी जो है हमारे पास लिमिटेशंस हैं या प्रॉब्लम्स हम कह लें। अगर हम ऑटोमेटिक सर्विलेंस की तरफ आए तो ऑटोमेटिक सर्विलेंस के अंदर हमारे पास दो किस्म के सिस्टम होते हैं, एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग है और एक ऑफलाइन प्रोसेसिंग है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा कि हम जो है हम वीडियो को रियल टाइम प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि जिस टाइम पर वो कैमरा हमारी स्ट्रीम जनरेट कर रहा है हम उसी टाइम पर उसको प्रोसेस करके डिसीजन कर रहे हैं। और दूसरे नंबर हमारे पास ऑफलाइन प्रोसेसिंग है कि हम अपने वे डाटा को स्टोर कर लें, देन हमारा सर्वर या हमारी जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है उसको प्रोसेस करके रिजल्ट्स जो है वो जनरेट कर लें। अगर हम ऑनलाइन प्रोसेसिंग की बात करें तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग के अंदर प्रॉब्लम्स जो आती हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास 10,000 कैमराज हैं जो कि स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं तो इसके प्रोसेस करने के लिए हमें बहुत बड़े हैवी सर्वर रिक्वायर्ड होंगे जो कि रियल टाइम हमें चीजें देंगे। तो उसमें सबसे पहली तो डिपेंडेंसी है कि सेंट्रल सर्वर डिपेंडेंसी है कि अगर हमारा सेंट्रल सर्वर डाउन हो जाए तो हमारा क्या सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम जो 10,000 कैमराज को वो प्रोसेस कर रहा है वो फेल हो जाएगा। उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं जिसमें हमारे पास कैमराज जिस जगह पर इंस्टॉल होता है माउंट होता है हमें डिसीजन भी वहीं उसी जगह पर करना होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम लें तो इसमें ट्रैफिक सिग्नल्स की ऑटोमेशन जो है, अगर हम देखें कि हमारा कैमरा भी ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगा हुआ है किसी एक भी चौक के अंदर लगा हुआ है या पोल के अंदर पोल के ऊपर लगा हुआ है, तो उसने हमारी ट्रैफिक की जो डेंसिटी है उसको मॉनिटर करते हुए सिग्नल्स को कंट्रोल करना है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो सेंसिंग है वो भी उसी साइट पर हो रही है और डिसीजन जिसे हम कह लें कि हमारी जो कंट्रोलिंग है हमारे सिग्नल्स की कंट्रोलिंग है वो भी उसी साइट के ऊपर हो रही है। तो हमें इसमें सबसे पहले तो अगर देखेंगे ऑनलाइन प्रोसेसिंग, अगर वो सर्वर के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है कि हमारी स्ट्रीम ट्रेवल करेगी थ्रू सम नेटवर्क या इंटरनेट के हमारे सर्वर के ऊपर, सर्वर पे हमारी प्रोसेसिंग होगी, डिसीजन होगा और देन वो डिसीजन जो है हमारे पास हमें वापस मिलेगा उसी साइट के ऊपर। तो इसमें क्या आ जाता है कि हमारे पास एक तो नेटवर्क डिले आ जाता है, दूसरे नंबर पे हमारी डिपेंडेंसी है सर्वर के ऊपर।
ठीक है, अगर हम ऑफलाइन प्रोसेसिंग को देखें तो ऑफलाइन प्रोसेसिंग के अंदर अगर हमने 10,000 कैमराज की स्ट्रीम को स्टोर करना है तो ये बहुत बड़ा, ये एक मेमोरी चाहिए होगी हमें इसमें, बहुत बड़े सर्वर चाहिए होंगे हमें, स्टोरेज एरिया नेटवर्क चाहिए होंगे हमें जिसके अंदर हम उनको स्टोर करेंगे, देन हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो इसके अंदर काफी ज्यादा हमारे पास जो है वो मसले आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है कि इतना बड़ा डाटा को हमने स्टोर करना है, हमें उतनी ज्यादा स्टोरेज चाहिए, टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स है हमारे पास, देन हमारे पास स्पेशल कॉन्स्ट्रेंट है, हमारी लोकेशन के हिसाब से काफी कॉन्स्ट्रेंट्स आते रहते हैं। तो ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स हैं हमारे ट्रेडिशनल सर्विलेंस के अंदर। तो हम अब इसके सोल्यूशन की तरफ अगर जाएं तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये है कि अगर हमारे पास हर नोड इंडिपेंडेंट वर्क कर रही हो और प्रोसेसिंग उसकी जो हमारे पास प्रोसेसिंग है और डिसीजन पावर है जो वो हमारी उसी नोड के ऊपर हो रही हो, तो हमारा सिस्टम जो है ये प्रॉब्लम्स को काफी हद तक टैकल कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले के रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ एक्वायर्ड वीडियो को, जितनी वीडियो एक्वायर्ड हो रही है हम रियल टाइम उसकी प्रोसेसिंग कर लें। तो इसमें दूसरे नंबर पे होगा कि हमारे पास जो हम नोड के ऊपर डिसीजन कर रहे हैं, नोड के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो डिसीजन होगा वो भी नोड के ऊपर होगा और फाइनल जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे किसी भी सर्वर के ऊपर ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे स्मार्ट सर्वर एट सर्विलेंस एंड, हर एंड जो सर्विलेंस एंड होगा जिसे हम एक कैमरा कह रहे हैं कि वहाँ एक छोटा सा सर्वर डिप्लॉय होगा जो कि प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग उसी जगह पर कर रहा होगा। अगर हम बात करेंगे एआई बेस्ड ऑटोमेशन ऑफ सर्विलेंस सिस्टम की, तो हमें पता है कि आजकल कंप्यूटर विजन के अंदर, सर्विलेंस सिस्टम के अंदर डीप लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा इसका एक नाम बन चुका है, तो इसकी एक्यूरेसी की वजह से और इसकी स्पीड की वजह से। लेकिन मसला इसमें यह है कि इसको बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, इसके बगैर जीपीयू चाहिए ऑन नोड प्रोसेसिंग के लिए। तो ये अगर हम ये काम ये फिजिबल है, अगर ये पॉसिबल हो सकता है, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से जो हमारे डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम है, हमारी हमारे नेटवर्क डिले आ रहे हैं, हमारे जो ऑन नोड डिसीजन नहीं हो रहे, ये इन सारी चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। तो फर्दर हम देखेंगे कि हमारे पास डीप लर्निंग जो है उसको ऑन नोड के ऊपर इम्बेड करने के लिए, इम्बेडेड सिस्टम के ऊपर लाने के लिए कौन कौन से बोर्ड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर और उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और सबसे बेहतर बोर्ड कौन सा है, देन उसके ऊपर हम डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो कैसे इम्बेड कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रसबेरी पाई से यानी कि एक वेल नाउन एक एम्बेडेड बोर्ड है जिसके अंदर काफी ज्यादा लोगों ने यूज भी किया होगा ये। तो इसके जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर क्वाड कोर है, ये आर्म बेस्ड प्रोसेसर है इसके अंदर। तो इसकी जो मैं रैम है वो 2, 4 एंड 8 GB LPDDR4 के अंदर हो सकती है। इसके अंदर जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट यूनिट्स हैं, 40 पिन होती हैं इसके अंदर, देन इसके अंदर 2 HDMI पोर्ट्स हैं और स्लॉट्स, हमारे पास एक एसडी कार्ड की स्लॉट होती है जिसके अंदर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये 64 या 128 GB तक सपोर्ट होती है। देन हमारे पास FPGA है, हमारे पास ये प्रोग्रामेबल हमारे पास गेट्स होते हैं, जो गेट्स को जो लॉजिक होती है, डिजाइन होती है हमारी सर्किटरी लेवल पे, वो हमारे प्रोग्रामिंग की बेस पर इम्बेड हो जाती है बोर्ड के अंदर। तो इस अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर 10,000 लॉजिक सेल्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे जो कि कॉन्फिगर होते हैं, और डेटा इंटरफेस होते हैं 64 MB के, 16 जो डाटा इंटरफेस होते हैं हमारे पास, एंड VGA इंटरफेस होते हैं, एंड LCD इंटरफेस होता है इसके अंदर हमारे पास। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जेटसन नैनो आती है। जेटसन नैनो जो है अब तक की अगर कहा जाए तो सबसे बेहतर डिवाइस आई है इनके मुकाबले, क्योंकि इसके इसके अंदर हमने ऑन बोर्ड GPUs दिया है। GPUs अगर हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए या इमेज प्रोसेसिंग के लिए हमारे GPU जो है वो काफी ज्यादा हमारे जो एल्गोरिदम्स को स्पीड अप कर देता है। तो इसका भी जो स्पेसिफिकेशन है, इसमें भी आर्म बेस हमारे पास प्रोसेसर है और क्वाड कोर्स हैं इसके अंदर, और इसकी जो मेमोरी है हमारे पास, रैम जो है वो 64 GB है, 40 बिट उसका जो इंटरफेस है, 64 बिट इंटरफेस है, और उसकी जो LPDDR4 है, और इसकी जो हमारी स्पीड है वो 25.6 GB/s है। एंड देन हमारे पास इसके अंदर जो कूडा सपोर्टेड GPU है, ये मैक्सवेल का आर्किटेक्चर का GPU है, इसके अंदर 128 हमारे पास एनवीडिया कोर्स हैं, और इसके से हम प्रोसेसिंग पावर्स को देखें तो इसके अंदर 0.5 trillion फ्लोटिंग पॉइंट्स जो हैं ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म होते हैं, और जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं हमारे वो 16 फ्लोटिंग पॉइंट 16 है हमारे पास जो है।
तो ये जो है हम इसको यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। इसकी कुछ मेरे ख्याल से हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं कि हमने जेटसन को ही क्यों चूज किया है। तो सबसे पहले तो ये कि इसका साइज बड़ा कौन साइज है, आई थिंक ये 4x4 इंच का इसका साइज है, और इसमें ये ऑन बोर्ड GPU दिया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने, तो एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए सबसे पहले तो साइज का कॉन्स्ट्रेंट है कि हमारे पास साइज जितना भी हमारे पास ऑप्टिमाइज हो सके उतना ज्यादा बेहतर है हमारे पास। देन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे हमारे पास इसके अंदर ये कि पावर एफिशिएंट है, कि इसकी पावर कंजप्शन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। अगर हम इसको देखें, अगर हम कंपेयर करें दूसरी जो है हमारे GPUs के साथ, तो उसकी निस्बत इसकी बहुत ज्यादा 5 वोल्ट और 3 से 4 एम्पेयर इसकी पावर इनपुट होती है जब ये अपनी पूरी जो है पीक के ऊपर काम कर रहे थे, प्रोसेसिंग कर रही होती है ये। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो GPUs है वो कूडा सपोर्टेड है। कूडा सपोर्टेड GPU जो है, क्योंकि आजकल जितने भी डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स हैं वो कूडा को यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे एक इंटरफेस है हमारा हमारे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का और हमारे जो GPUs हैं उनके दरमियान में। तो सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि इसमें एक कूडा सपोर्टेड GPUs है, और चौथे नंबर पे हमारे पास इसमें GPIO पिन भी हैं। अगर हम उस प्रोसेसिंग के अगेंस्ट कोई सर्किटरी डिजाइन करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हमारे पास लॉक सिस्टम है, फेस अटेंडेंस सिस्टम है, या कुछ भी हम डिसीजन करना चाहते हैं हमारे, तो उसके थ्रू उसके लिए हमारे पास इसके अंदर GPIO पिन, डिजिटल एनालॉग पिन भी अवेलेबल हैं इसके अंदर। एंड इसके अंदर जो दूसरी बात है बड़ी, वो ये है कि हमारे पास TensorRT की इसके अंदर सपोर्ट है। TensorRT एक फ्रेमवर्क है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये एक ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, डीप लर्निंग के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और जो ऑप्टिमाइज्ड मॉडल होते हैं वो जेटसन नैनो के ऊपर इजीली इम्बेड हो सकते हैं, इजीली डिप्लॉय हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो प्रीट्रेन मॉडल है उनकी हम सिंपल कन्वर्जन करते हैं और इसको डिप्लॉय करते हैं, वो फर्दर हम देखते हैं अभी। उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स टू TensorRT विद हाई रियलाइजेबल मैक्सवेल आर्किटेक्चर जो है ये सपोर्ट करता है फ्लोटिंग पॉइंट 16 को। और TensorRT का और जेटसन का जो कनेक्शन बनता है वो ये है कि TensorRT जो है वो ऑप्टिमाइज करता है हमारे मॉडल को फ्लोटिंग पॉइंट 16, 32 या इंट 8 के अंदर, जो कि कंपेटिबल है हमारी जेटसन नैनो के आर्किटेक्चर के साथ। तो इस वजह से हम इसको जेटसन नैनो को यूज करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे TensorRT को, कि TensorRT के थ्रू TensorRT है क्या चीज़ है। TensorRT जो एक है प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि हमें डीप लर्निंग के अंदर हाई परफॉर्मेंस इन्फ्रेंस देता है। तो इसके अंदर हम हमारे पास ये कोई काफी लो लेटेंसी होती है, काफी कम टाइम लेता है यानी कि इनिशियलाइज होने के अंदर, और हाई थ्रोपुट देता है। थ्रोपुट की अगर बात करें तो यानी कि हमारे फ्रेम पर सेकंड ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और एक फ्रेम को प्रोसेस करने की जो टाइम है वो काफी लो हो जाता है। दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे इसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो पाइथन और C++ के अंदर अवेलेबल हैं, और ये कंपेटिबल है जितने भी फेमस डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स हैं उनके साथ, टेंसर फ्लो, केरास, MXNet, कैफे एक्सेट्रा, इन सारों के साथ ये कंपेटिबल है। और अगर हम फिगर की तरफ देखें तो ये एक्चुअली काम किस तरह करता है कि सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रेन नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क है जो भी डीप लर्निंग का है या कोई भी सिंपल न्यूरल नेटवर्क है। तो इसके अंदर हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन हमारी प्रिसीजन कैलिब्रेशन होती है। सबसे पहले तो प्रिसीजन कैलिब्रेशन में होता है कि हम अपने जो वेट्स जो हैं उनकी डेटा टाइप्स को एक्चुअली चेंज कर रहे होते हैं, कि जहां हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट 64 है या 32 है हम उसको डिक्रीज कर रहे होते हैं, कैलिब्रेट कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, हम उनको इंट 8 के अंदर या फ्लोटिंग पॉइंट 16 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर लेयर फ्यूजन होती है हमारे पास, कि को काफी ज्यादा लेयर जो होते हैं सेम काम करे तो हम उनको फ्यूज कर देते हैं, इनके नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे पास कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टी स्ट्रीम एग्जीक्यूशन है, इसके अंदर हम बड़े ग्राफ्स जो होते हैं उनको सब ग्राफ्स बना लेते हैं और देन उनकी पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। देन हमारे पास कर्नल ट्यूनिंग एटसेट्रा है, तो जिसके जिसके बाद हमें एक ऑप्टिमाइज्ड मॉडल मिलता है और उसके अंदर हमारे काफी ज्यादा एफिशिएंसी हमें अचीव हो जाती है इन 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 टर्म्स ऑफ थ्रोपुट एंड लेटेंसी। इसके बेनिफिट्स अगर देखें तो अगर आपके पास कोई भी प्री ट्रेन मॉडल है तो TensorRT जो है ये आपको अलाउ करता है कि हम उसको कंप्रेस ऑप्टिमाइज कर सकें, उसका साइज रिड्यूस कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें, उसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कम कर सकें।
एंड देन उसको डिप्लॉय कर सकें किसी भी एम्बेडेड जेटसन नैनो पे या जो भी टेंसर आरडी को सपोर्ट करती है उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकें विदाउट एनी ओवरहेड ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कोई भी हो सकता है, टेंसर फ्लो हो सकता है, हमारा केरास हो सकता है, पाइटोर्च कैफे जो भी हो सकता है हमारा टेंसर फ्लो। तो सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स के अंदर इसकी थ्रोपुट है, हायर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट विद एन अ गिवन पीरियड, जिसको हम कह लें कि हमारे अगर हम इमेज की बात करें तो हमारे पास फ्रेम पर सेकेंड काफी ज्यादा होते हैं इसके अंदर। देन एफिशिएंसी है हमारे अंदर के जो हमारी परफॉर्मेंस है उसके लिए हमारे पास जो यूनिट पावर जो पावर यूज हुई है वो भी हमारे पास कम से कम होती है। इसको हम सिंपल अल्फाज के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस पर वाट, जो हमने परफॉर्मेंस दी है उसने कितने वाट, एक वाट के अंदर कितनी परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर जो एक और बड़े कॉन्स्टेंट जो होता है हमारे पावर का होता है कि पावर जो है वो हमारे पास बहुत लिमिटेड होती है चीजों में, यानी कि बैकअप भी अगर देखें बैटरीज वगैरह के ऊपर नोड के ऊपर तो हमारे पास लिमिटेड पावर होती है। तो ये कम पावर के अंदर हमें एफिशिएंसी अच्छी दे रहा होता है। देन हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो कंप्रोमाइज होती है थोड़ी सी, लेकिन वो बहुत कम होती है कि हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही माइनर फर्क होता है उसके अंदर। लेकिन हमें जो इसके आंसर्स आ रहे होते हैं, जो हमें प्रेडिक्शंस आ रही होती हैं, वो मोर और लेस जो ओरिजिनल मॉडल्स के बिल्कुल करीब ही होती हैं। रियल टाइम इन्फ्रेंस होती है कि बहुत कम टाइम लेता है हमारा एग्जीक्यूशन के दौरान से, लेटेंसी कह रहे हैं कि जो इन्फ्रेंस का टाइम जो दे रहा है वो बहुत कम होता है, लेटेंसी हमारी इसमें बहुत कम होती है। जिसके लिए टेक्निक्स जो अवेलेबल है हमारे पास इसको ऑप्टिमाइज करने की, वो दो अप्रोचेज हैं हमारे पास। अगर अप्रोच वन के अंदर देखें तो हमारे पास कोई भी एक ट्रेन मॉडल है, ट्रेन मॉडल को हम चेक पॉइंट सेव करवा लेते हैं तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है टेंसर आरटी के अंदर। देन हम उसके एक इन्फ्रेंस इंजन बिल्ड करते हैं और उसके ऊपर हम टेंसर आरटी का जो इंजन है इन्फ्रेंस इंजन है उसको रन करते हैं। दूसरी जो अप्रोच है हमारे पास वो ये है कि हम अपने ट्रेन मॉडल जो है हमारे पास उसको फ्रीज करते हैं, उसको फ्रीज ग्राफ के अंदर ले जाने का मतलब है कि हम उसके अंदर जो एक्स्ट्रा नोड्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, ट्रेनिंग नोड्स को रिमूव करते हैं, हम वेरिएबल्स होते हैं हम उनको कॉन्स्टेंट बना लेते हैं। उसके बाद हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं टेंसर आरडी पे, देन उसका इन्फ्रेंस को हम इंजन इन्फ्रेंस इंजन बिल्ड करते हैं उसकी इन्फ्रेंस के लिए। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास जो कन्वर्ट ट्रेन मॉडल होगा हम उसको फ्रीज करते हैं, जिसके अंदर कोई भी लूप्स होते हैं ग्राफ्स के अंदर उनको रिमूव कर लेते हैं, और जो लूप्स को उसके बाद जो हमारे पास एक बड़ा ग्राफ होता है हम उनके सब ग्राफ बना लेते हैं। सब ग्राफ बनाने के बाद हम उनकी जो है पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं सब ग्राफ्स की। दूसरे नंबर पे हमारे पास कन्वर्जन होती है, जो सिंपल बताया है कि फ्लोटिंग पॉइंट कैलिब्रेशन होती है हमारे पास, जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स हायर प्रसीजन के अंदर होते हैं 64 फ्लोटिंग पॉइंट्स या 32 हम उनको 16 या 8 के अंदर ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एंड हमारे पास है इसके अंदर FPS जो होता है वो हमारे पास जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ओरिजिनल मॉडल से। तो इसकी सबसे पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, टेंसर आरडी की इंस्टॉलेशन है, टेंसर आरडी को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। टेंसर आरडी की इंस्टॉलेशन जो है ये मैं सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा थोड़ी सी, कि प्रीरिक्विजिट इसके उबंटू आपके पास होना चाहिए 16.04 से ग्रेटर, CUDA 9.0 और उससे ग्रेटर होना चाहिए, CUDNN, TensorFlow 1.14, ONNX चाहिए हमें, Python 1 और 2 दोनों पर ये कंपेटिबल है, NumPy एंड PyCUDA हमें रिक्वायर होगा टेंसर आरटी की इंस्टॉलेशन के लिए जो हमारे पास है। देन हमारे पास इसकी जो इंस्टॉल करना है कि वो लिंक NVIDIA की या वेबसाइट पे जाएं टेंसर आरटी, वहां पर हम एक डेबियन फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे। जो ये डेबियन फाइल जो होगी इसके लिए आपको रिक्वायर होगा NVIDIA का अकाउंट, देन इसके लिए आपको अकॉर्डिंग टू योर CUDA वर्जन एंड योर Ubuntu वर्जन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये जो फाइल है ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर मैं 16.04 की बात करूँ Ubuntu और CUDA 10 के लिए, यानी कि सारे वर्जन फ्लेवर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, आपने अकॉर्डिंग टू योर CUDA एंड योर Ubuntu यू कैन डाउनलोड दिस फाइल। उसके बाद हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, बहुत सा सिंपल सा इसका जो मेथड है इंस्टॉलेशन का, सबसे पहले आप डबल क्लिक करेंगे डेबियन फाइल पर, उसको इंस्टॉल कर लेंगे, देन टर्मिनल के थ्रू आप अपनी Ubuntu की जो कैशी है उसको अपडेट करते हैं, देन आप टेंसर आरटी को इंस्टॉल करते हैं, sudo apt-get install tensor rt, और अगर आपने पाइथन 2.7 के अंदर यूज करना है उसकी कमांड्स और पाइथन 2.3 के अंदर यूज करना है तो उसकी कमांड्स है, it's just 4 commands to install the TensorRT in your system. उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं, यू कैन वेरीफाई बाई यूजिंग दिस कमांड।
दी आउटपुट शुड बी सिमिलर टू दिस। अगर आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो उसके अंदर आपको आउटपुट जो नजर आएगी वो कुछ इस तरह की नजर आएगी वेरिफिकेशन के लिए। ओके, तो अभी हमारे पास ये जो है हमने देख लिया है कि टेंसर आरटी क्यों जरूरी है एम्बेडेड डिवाइस के ऊपर, और इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह होती है और इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन इसकी देख लेते हैं, कि हम कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं मॉडल्स का। उसके अंदर हम देख लेंगे कि हमारे एक ओरिजिनल जो एक मॉडल होता है हमारा बगैर ऑप्टिमाइजेशन के, उसके ऊपर हमारे FPS क्या आ रही है, परफॉर्मेंस क्या आ रही है, तो और उसके बाद हम उस मॉडल को कन्वर्ट करेंगे टेंसर आरटी के अंदर, और उसके बाद हम उसकी सिंपल सी इन्फ्रेंस लेके उसके टाइम चेक करेंगे, उसके फ्रेम पर सेकंड चेक करेंगे क्या इंप्रूवमेंट हमारे पास आती है, देन उसका कोड थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले मैं केरास का एक मॉडल यूज कर रहा हूँ, रेजनेट 50 के नाम से है। इसके अंदर आप रेजिडुअल नेटवर्क है इसके अंदर, तो इसके अंदर सिंपल सा एक कोड है, छोटा सा कोड है। इसके अंदर इन्फ्रेंस चेक करेंगे और हम इसके जस्ट टाइम नोट करेंगे कि एक इमेज की इन्फ्रेंस करने पर ये कितना टाइम लेता है। तो जैसे ये क्या है, कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड की हैं रेजनेट 50 को डाउनलोड करने के लिए, केरास हमारे पास फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू हम इसकी इन्फ्रेंस करेंगे। हमने करना क्या है कि रेजनेट 15 हमने लोड किया है, इमेज नेट के ऊपर ट्रेंड है वो मॉडल लिया है, और उसके बाद जो इसका साइज जो होता है, इनपुट शेप जो होती है 224x224 होती है, और 3 चैनल इमेज होती है यानी RGB इमेज होती है हमारे पास। तो मैं एक रैंडमली एक जो है टेंसर बना रहा हूँ जिसके साइज 224x224x3 है, इमेज शेप ले रहा हूँ उसका, एक मैंने टेस्ट बना लिया, इनके इनपुट टेंसर बना लिया मैंने। तो और उसके लिए मैं 100 iterations कर चलाऊंगा, इसके लिए 100 inference लूंगा और उसके ऊपर इसका फ्रेम पर सेकंड चेक करते हैं। पहले मैं टाइम नोट करूंगा, देन इसकी इन्फ्रेंस करूंगा मैं, यानी कि इनपुट मैं मॉडल को इनपुट इमेज दूंगा अपनी, जो कि एक रैंडम मेरे पास टेंसर है जो कि मैंने इनिशियलाइज करवाया है, रैंडम इनिशियलाइज करवाया है, और उसकी आउटपुट आएगी। जस्ट इस टाइम के अंदर हमारा जो मॉडल है वो कितना टाइम ले रहा है, टाइम हमारे पास टाइम डिफरेंस आ जाएगा, देन उसको मैं 1/टाइम डिफरेंस करूंगा तो ये हमारे पास फ्रेम पर सेकंड आ जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि जो एक मॉडल जो होता है, जो प्री ट्रेन मॉडल जो है विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, वो हमारे पास कितना टाइम ले रहा है। तो सिंपल इसको पाइथन का स्क्रिप्ट है, इसको चलाते हैं और इसके फ्रेम पर सेकंड चेक करते हैं, FPS चेक करते हैं इसका। अगर हम देखें तो हमें 100 जो हमने आइटेशन चलाई हैं उसके ऊपर हमें जो फ्रेम पर सेकंड मिला है वो हमें 18, 17, 19, 21 तक मैक्सिमम हमें फ्रेम पर सेकंड मिला है, जो विदाउट ऑप्टिमाइजेशन है, जिसके अंदर हमने अभी प्रिसीजन को कैलिब्रेट नहीं किया, हमने अपने ग्राफ्स को ऑप्टिमाइज नहीं किया, हमने ग्राफ के सब ग्राफ नहीं बनाए। तो हमारे पास जो फ्रेम पर सेकेंड आया वो मैक्सिमम 21.54 आया है। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं कि इसकी हम टेंसर आरटी के अंदर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर हम इन्फ्रेंस लाएंगे और उसकी देखेंगे कि उसके ऊपर हमारे पास जो फ्रेम पर सेकंड है वो कितना इम्प्रूव हुआ है। अगर हम टेंसर आरटी का कोड को देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले हमने अपने मॉडल को जो है वो फ्रीज करना होता है। फ्रीज करने का मतलब ये है कि हम अपने मॉडल के अंदर जो एक्स्ट्रा नोड्स होती हैं, हम इन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा नोड्स को डिलीट कर देते हैं। एक्स्ट्रा नोड्स के अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो लॉस कैलकुलेशन की नोड्स होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन की नोड्स होती हैं हमारे पास, इसी तरह हमारे पास ड्रॉप आउट होता है जो कि हम ट्रेनिंग के दौरान यूज करते हैं लेकिन टेस्टिंग के दौरान या इन्फ्रेंस के दौरान यूज नहीं करते, हम इन सारी ऑपरेशन को ना रिमूव करते हैं। तो ये क्लास है जो कि हमारे मॉडल को फ्रीज कर रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर डिफरेंट है कि हमारे कन्वर्ट वेरिएबल्स टू कॉन्स्टेंट, जिसमें हमारे पास है, क्योंकि हम अगर ट्रेनिंग नहीं करवाना चाह रहे तो हमने जो वेरिएबल्स हैं वो ज्यादा वो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे अब, क्योंकि उनके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमारे पास ट्रेनिंग नोड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास लॉस कैलकुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन की नोड्स होती हैं, हम उनको रिमूव कर रहे हैं, और एट द एंड हमारे पास ग्राफ जो बनता है उसके अंदर वो एक फ्रीज ग्राफ होता है कि हम अंदर इन्फ्रेंस कर सकें, एक्स्ट्रा नोड सारी डिलीट हो चुकी हैं। देन हमारे पास एक टेंसर फ्लो इंजन है, टेंसर आरटी का इंजन है बिल्ड करने के लिए। तो
तो इसके अंदर हम इसके देखते हैं कि किस तरह हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना जो रेजनेट है उसको डाउनलोड करते हैं, उसको गेट करते हैं, उस मॉडल को ट्रेन ऑन इमेजनेट। उसके बाद हम उसका सिंपल इमेज साइज सेम रहेगा हमारा, जो इनपुट साइज जो है 224x224x3 का इमेज साइज रहेगा। हम उस मॉडल को फ्रीज कर लेते हैं, जिसे हमें एक फ्रीज ग्राफ मिल जाता है। अब इस पॉइंट तक हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा नोड्स हैं, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट हो गए हैं, और एक्स्ट्रा नोड्स हमारी जो है वो डिलीट हो चुकी हैं, ओवरहेड हमारा उसके अंदर खत्म हो चुका है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो इंजन बना है उसके अंदर हम अपना फ्रीज ग्राफ देते हैं। बैच साइज जो पे हम इन्फ्रेंस कराना, अगर देखा जाए तो ज्यादा डिप्लॉयमेंट के अंदर हमारा बैच साइज 1 यूज होता है ज्यादातर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट की जो कैलिब्रेशन है कि वो हम किस फ्लोटिंग पॉइंट के जो हमारे वेट्स हैं उनको हम टारगेट जो डेटा टाइप है वो कौन से रखना चाहते हैं। अगर वो 64 में है, 32 में, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट 16 के अंदर। तो हमें एक इसका इंजन, एक इंजन मिल जाएगा। अगर हम एक TRT इंजन को देखें तो इसके अंदर हमारे पास हम ग्राफ को गेट कर रहे हैं, बैच साइज एंड प्रसीजन को कॉल कर रहे हैं, और इसके अंदर जस्ट हम लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं TFTRT, जो कि टेंसर आरटी के अंदर ऑलरेडी एक फंक्शन फंक्शन है। क्रिएट इन्फ्रेंस ग्राफ, इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे हम। ग्राफ इनपुट देंगे, आउटपुट उस ग्राफ से हमारे आउटपुट कहाँ से जनरेट होनी है, उस टेंसर का नाम नाम आएगा, बैच साइज आएगा, देन हमारे पास उसका वर्क स्पेस बाइट्स आएंगे कि उसकी वर्क स्पेस कितनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास ज्यादा बड़ी इमेज है तो आपके पास वर्क स्पेस ज्यादा होनी चाहिए, मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए। प्रसीजन आएगा, देन हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स हैं इनके जो रिक्वायर होते हैं। देन हम उसको क्या करेंगे कि उस ग्राफ को हम कन्वर्ट कर रहे हैं जस्ट एक फंक्शन से, डीप कॉपी हम बना रहे हैं उसकी आउटपुट ग्राफ की, और उसको फ्रोजन ग्राफ को हमने कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास एंड पर हमारे पास ये एक TRT इंजन का TRT इंजन बन गया हमारे पास, और उसकी इन्फ्रेंस के लिए भी हमने एक फंक्शन बनाया हुआ ऊपर, जिसको हम एक्स इनपुट पास करते हैं, और जो हमारे पास फ्रीज ग्राफ है, फ्रीज ग्राफ सॉरी, जो टेंसर आरटी का जो हमारे पास मॉडल है उस पर हम प्रडिक्शन ले सकते हैं। सेशन रन करने के थ्रू हम प्रडिक्शन लेते हैं, हमारे एक्स टेंसर होता है और हमारे वाई पार्ट होता है, तो हमारे पास वाई पार्ट जो हमारे पास आउटपुट है उसकी वो मिल जाती है हमें। तो इसके ऊपर भी हमने क्या किया है कि टाइम नोट करेंगे और उसके ऊपर इन्फ्रेंस करेंगे 100 टाइम्स, और हमारे पास जो टाइम डिफरेंस होगा सिंपल हम उसको 1 से डिवाइड करने के बाद देखेंगे हमारे टेंसर आरटी का जो फ्रेम पर सेकेंड है वो कितना इम्प्रूव होगा। तो इसके लिए मैं इसके स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। फर्स्ट टाइम ये इंजन बिल्ड करने के अंदर थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपके पास अगर इंजन बिल्ड होगा तो हम इसको सीरियलाइज भी कर सकते हैं। सीरियलाइज यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवा के बाइनरी फॉर्म के अंदर इसको रख सकते हैं, आपको हर बार इंजन बिल्ड करने की जरूरत नहीं होगी इसमें। तो इसमें सबसे पहले इंजन बिल्ड हो रहा है तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर हम यहाँ पर अपने फ्लोटिंग हमारा FPS देखें तो हमारा FPS जो है सिंपल उसी सेम नेटवर्क के ऊपर रेजनेट 50 के ऊपर 21 से अबाउट हमारे पास 50 तक पहुंच गया है, यानी कि 50.0 हमारे पास जो है फ्रेम पर सेकंड हमने मैक्सिमम यहाँ पर अचीव किया है। तो ये कि यानी कि काफ़ी बड़ी इसके अंदर हमारे पास एक कह लें कि एफिशिएंसी हमने अचीव की है इसके अंदर, कि हमने जस्ट फ्लोटिंग पॉइंट 64 या 32 को फ्लोटिंग पॉइंट 16 के अंदर अपने फ्लोटिंग पॉइंट्स को कैलिब्रेट किया, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज बच सकते हैं इसके अंदर, ऑपरेशन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं इसके अंदर। तो सिंपल सा ये एक था कि हम जो सिंपल क्लासिफिकेशन मॉडल जो CNN मॉडल्स की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करते हैं, उसकी इन्फ्लुएंस किस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के एल्गोरिथम की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, हम जिसकी इसके स्टेप्स देखेंगे। कुछ कुछ हमने काम किया हुआ है YOLO V3 के ऊपर, जिसकी ऑप्टिमाइजेशन हमने की है।
तो सिंपल इसके अंदर हमारे पास योलो वी थ्री का मॉडल है, तो योलो वी थ्री के अंदर हमें रिक्वायर होगा इसके अंदर CFG फाइल, जिसके अंदर हमारे पास नेटवर्क का आर्किटेक्चर सारा डिफाइन होगा, और वेट्स होंगे हमारे जो लर्न वेट्स होते हैं वो हमें इस चीज़ के अंदर हमें रिक्वायर होंगी। और हम इसके अंदर जो हमने मॉडल ऑप्टिमाइज किया था, ये कि सेल्फ ट्रेन मॉडल था, इसके अंदर पर्सन और रैक वगैरह की हमने डिटेक्शन की हुई थी, सेव मॉडल हमने किया। उसके बाद जो चीज़ें रिक्वायर हैं, NumPy ऑन एन एक्स पाई कूडा रिक्वायर था। उसके बाद हम जो हमारा जो CFG और वेट्स की फाइल है उसकी कन्वर्जन होती है ऑन ONNX के अंदर। ONNX एक इंटरमीडिएट जो हमारे पास एक फॉर्म होती है कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद ONNX को हम कन्वर्ट करते हैं टेंसर RT के अंदर, जो कि हमें सीरियलाइज फॉर्म के अंदर ही मिल जाता है, कि हम योलो V3 डॉट इंजन के एक्सटेंशन से हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो इसका कोड वगैरह भी आपको अवेलेबल है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर, आप देख सकते हैं इसके लिए। उसके अलावा आप इंजन को सीरियलाइज करने के बाद आपके पास पार्सर यूज होते हैं, जो कि आपके सीरियलाइज्ड मॉडल को दोबारा से पार्स करते हैं, और उसके बाद नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, और आप देन उसके ऊपर इन्फ्रेंस करवा सकते हैं। तो अगर हमने हमारे जो थे एक्सपेरिमेंट्स थे, उसके अंदर जो हमने ऑब्जर्व किया है कि हमने इन्फ्रेंस जब जेटसन नैनो पे किया, तो हमें योलो V3 के लिए जो हमें मिले थे फ्रेम पर सेकंड मिले थे वो 3.7 थे, और वीडियोस या इमेजेस सेम ही है। इसके अंदर 3.5 और 3.7 में इतना कोई फर्क नहीं है हमारे पास 3.7 सिंगल फ्रेम के लिए, और वीडियोस के ऊपर जब हम चलाते हैं तो वो कंटिन्यूसली डिटेक्ट कर रहा था 3.5 फ्रेम पर सेकंड हमें मिले थे। और हमारे पास जो ओरिजिनल मॉडल के अंदर जो थे वो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 फ्रेम पर सेकेंड मिल रहा था हमारे। तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमने इन्फ्रंस के अंदर जेटसन नैनो के ऊपर 128 कोर्स के ऊपर हमें जो फ्रेम पर सेकंड 3.7 3.8 के राउंड हमें इसके अंदर मिले थे। तो इमेज पे किया था हमने, वीडियोस पे किया था, और हमने वेबकैम के ऊपर इसकी इन्फ्रेंस पे चेक किए थे इसका। अच्छा, उसके अलावा ये जितने भी काम है इसकी, हमने कुछ एप्लीकेशंस हमारी ऑन नोड सॉल्यूशन है कुछ, जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले हमारे पास टावर सर्विलेंस है। टावर सर्विलेंस में सेल साइट सर्विलेंस होती है, हमारे बेस ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन स्टेशन होते हैं, टावर्स लगे होते हैं सेलफोन्स के, उनकी मॉनिटरिंग है, वहाँ उनके इक्विपमेंट्स के मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें ये है कि वहाँ उनके रैक्स पड़े होते हैं, उनके अंदर उनके इक्विपमेंट्स पड़े इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं, उनकी बैटरीज पड़ी होती है, उनका फ्यूल टैंक होता है, तो इसके उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि कोई अननोन पर्सन वहाँ उस एरिया के अंदर अगर आता है, या रैक जो है वो हमारे ओपन होते हैं तो हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, और इनके हम रियल टाइम पर नोटिफिकेशन जनरेट करते हैं मोबाइल्स के ऊपर, जो कि किसी भी वहाँ के रिलेटेड गार्ड को भी जा सकता है, जो मैनेजर है उनके एरिया मैनेजर है, उसको उसके पास मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उसको वो डिलीवर करते हैं। तो इसके अंदर हमने पावर फेलियर के भी कुछ देखे हैं चीज़ें, कि पावर फेलियर है तो उसके भी नोटिफिकेशन आएंगे, और मोबाइल एंड वेब के जो हमने डैशबोर्ड भी दिए हुए हैं उन्हें। तो ये हमारा एक सोल्यूशन है जो कि अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, डिप्लॉयड भी इंफ्राशेयर की साइट के ऊपर। तो इसके हम डेमोज देख लेते हैं। एक्चुअली ये डिवाइस जो हमने ऑन नोड बनाई है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग भी नोड पे हो रही है, और हमारे कुछ अलार्म वगैरह जो डिसीजन में है वो भी ऑन नोड और साइड के ऊपर ही हमारी डिसीजन हो रही है। ये डिवाइस है हमारी, और इसके जो डेमो है वो ये, मोबाइल से वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी, मोबाइल से बनी है कि रैक्स वगैरह ओपन हो रहे हैं इनके, या पर्सन डिटेक्ट हो रहे हैं, तो ये नोड के ऊपर प्रोसेसिंग और उसके कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। हमारे पास जो फ्रेम आ रहे हैं टाइम 3.4 3.5 के राउंड हमारे पास फ्रेम पर सेकेंड हमें यहाँ पर मिल रहे हैं नोड के ऊपर जेटसन नैनो के ऊपर विद योलो V3। दूसरे नंबर पर हमारे पास फेस बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम है विद थर्मल सेंसिंग है।
तो इसके लिए भी हमने जो हमारी फेस रिकग्निशन के एल्गोरिथम है, फेस डिटेक्शन, फेस रिकग्निशन एंड फेस अलाइनमेंट के एल्गोरिथम जो है उनकी ऑप्टिमाइजेशन एंड देन डिप्लॉयमेंट ऑन जेटसन नैनो, तो उससे मिलाकर ये एक डिवाइस बनाई हुई है जो कि थर्मल सेंसिंग करती है, उसके बाद फेस रिकग्निशन के बाद उसको उसकी अटेंडेंस, एम्प्लॉयज वगैरह की अटेंडेंस को मार्क करती है। तो इसके लिए भी इसकी जो इसके अंदर सर्वर्स बनाए हुए हैं नोड के ऊपर ही, हमें जी के अंदर रिपोर्टिंग भी नोड के ऊपर हो रही होती है हमारे पास, उसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड हमारे जो एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट्स की मैनेजमेंट है, सारी जो है वो नोड नोड के ऊपर ही है, जैक्सन नैनो के ऊपर ही ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसका भी डेमो है, वो भी डेमो देख लेते हैं इसका। मैं डिटेक्शन और रिकग्निशन एंड टेम्परेचर सेंसिंग जो है हमारी वो डिवाइस के ऊपर है, नोड के ऊपर है। इसमें जो हमारे पास फेस रिकग्निशन के अंदर हमारे जो फ्रेम पर सेकंड है वो हम तकरीबन 5 फ्रेम पर सेकंड जो है हम वो अचीव कर रहे हैं एट अ टाइम, जो है हम 1 सेकेंड के अंदर 5 फ्रेम्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं। और एक और हमारा सोल्यूशन जो हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री के लिए कि वहाँ के सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करना है कि उनके हेलमेट्स वगैरह पहने हुए हैं और उनके अलावा इनके एक स्पेशल किस्म के बूट्स होते हैं उनको इंश्योर करना है, यूनिफॉर्म को देखना है कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। देन फिर साइट के ऊपर अगर कोई एनोमली होती है, फायर या स्मोक डिटेक्शन है, उसके लिए हमने काम किया हुआ है जो कि डिप्लॉयड है हमारी एक कंपनी एलीट इंजीनियरिंग वहां पर। तो इसके भी कुछ डेमो देख लेते हैं। ये हमारी एक साइट के ऊपर डिप्लॉय है जो कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम नोड के ऊपर हेलमेट्स और हमारे जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फायर का डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि एक वीडियो के ऊपर बनाया हुआ हमने। फायर डिटेक्शन है एंड स्मोक डिटेक्शन। तो हमारा सोसाइटी के अंदर कुछ इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन नोड प्रोसेसिंग विल सेव्ड लार्ज ओवरहेड ऑफ सर्वर्स। हमें बड़े सॉल्यूशन, छोटे छोटे सॉल्यूशन के लिए वो बड़े सर्वर्स नहीं चाहिए, हम जस्ट 16 $100 की है ये, तो ये 16-17,000 के अंदर हम अपने डीप लर्निंग एल्गोरिथम को सिंपल एक किसी एप्लीकेबल फॉर्म के अंदर ला सकते हैं, सोसाइटी के अंदर हमें कुछ उसका फायदा हो रियल टाइम। रियल टाइम हमारे पास ऑटोमेटिक सर्विलेंस सिस्टम है, स्मार्ट सिटीज जो है वो एक रियलिटी बन जाएंगे हमारे लिए कि स्मार्ट सिटीज जो है, और हमारे पास मेमोरी कॉन्स्टेंट जो है, हमारे पास स्टोरेज कॉन्स्टेंट है, हम उनको कवर कर लेंगे। और प्रैक्टिकली यानी कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम सर्विलेंस की बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट हमारे पास स्मार्ट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन जो है हमारे लिए सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर वो पॉसिबल हो सकेगी अगर हम ये ऑन नोड के ऊपर हम अपने ज़्यादातर काम को लेके जाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो देन कंक्लूजन है कि
हमारे पास काफी ज्यादा जो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हमारे पास जो डाटा है हम उनको ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, और उसके मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन है। और जैसे नैनो के बारे में कुछ हमने पढ़ा है कि उनकी नोड जीपीयूज को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर हायर एफिशिएंसी। देन वो उसकी टेंसर आरटी के फ्रेमवर्क के सॉल्यूशन के कुछ प्रोसेस देखे हैं हमने, उसके बाद हमने उसके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखी हैं और कुछ सॉल्यूशंस देखे हैं हमारे पास। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, आई विल अनम्यूट हिम। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? सर जी, आ रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम सर, सर वालेकुम मेरा ये सलाम। क्वेश्चन था, अभी आपने फायर डिटेक्शन के बारे में बताया बताया था, तो सर अगर जी, जैसे कि फोग होती है सर्दियों में, तो हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? क्या हमारे कैमरे के अंदर इतनी हाई रेजोल्यूशन है? एक्चुअली जो फोग है और फायर है इसके अंदर, स्मोक के अंदर देखें तो हमारे फीचर्स जो हम फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं हमारी, वो फीचर एक्सट्रैक्शन हो सकते हैं, इसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इसमें फोग जो है वो उसके फीचर्स थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं, और स्मोक डिफरेंट भी, बीमेड थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं सीएनएन वगैरह कोई डीप फीचर्स यूज करते हैं। तो आई थिंक दी मॉडल्स विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मोक एंड फोग। जी सर, तो ये जो है ये एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन है कि इसके बारे में हम देख सकते हैं। इसके ऊपर कुछ इतनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमने नहीं की अभी जी तक, सर, क्योंकि हम इंडोर के लिए कर रहे हैं। इंडोर के अंदर जो है वो फायर वगैरह जो है वो इतनी ज्यादा, स्मोक जो फोग जिसे कहते हैं, वो इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है। ओके सर। सर जैसे कि बिल्कुल आपने सही कहा कि पार्टिकल का डिफरेंस ऑब्वियसली होगा स्मोक में और फॉग में, तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि आप स्मोक आप डिटेक्ट कर रहे हैं, तो आप स्मोक के अंदर कौन से लेबल्स वगैरह ले रहे हैं, कि कौन से आप यानी कि उसके वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह ले रहे हैं? एक्चुअली आप फीचर्स की बात कर रहे हैं जी, सॉरी कि हम फीचर्स, कौन से फीचर्स यूज कर। जी। जी, हम फीचर्स इसके अंदर डीप फीचर्स यूज कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर हमारे पास जो बैकबोन नेटवर्क है ना, जो फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, वो हम VGG16 को यूज कर रहे हैं, जो कि फीचर्स हमें एक्सट्रैक्ट करके देता है। डीप फीचर्स होते हैं कि ये डिसाइड करते हैं हमारे डीप लर्निंग के एल्गोरिदम कि हमने कौन से फीचर्स किस प्रॉब्लम के लिए कितने बेहतर हो सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन एंड सिलेक्शन होती है डीप लर्निंग के अंदर। तो हम डीप फीचर यूज कर रहे हैं VGG16 के इसमें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी, और किसी को कुछ? हेलो, सो जी, दिस इज गुलरेज। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू फॉर रियली ग्रेट एंड इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी गेट दिस प्रेजेंटेशन कंटेंट? यस, यू कैन। आई विल सेंड यू थ्रू ईमेल, और आई विल शेयर सम लिंक ऑफ ड्राइव वेयर द प्रेजेंटेशन विल बी प्लेस्ड। ओके, सो नाइस ऑफ यू। ओके, सो यू कन्वर्टेड टेंसर फ्लो एंड केरास मॉडल टू टेंसर आरटी, राइट? जी सो कैन वी कन्वर्ट पाइटॉर्च और सम अदर यू नो फ्रेमवर्क मॉडल टू टेंसर आरटी, और इज देयर यस वी कैन, समथिंग एल्स फॉर दैट? यस वी कैन। इसमें ये है कि गुलेश भाई, इसमें हम फ्रेमवर्क जो मैंने बताया कि सपोर्टेड है टेंसर आरटी, इसमें हम केरास, टेंसर फ्लो, MXNet, पाई कैफे, पाई टॉर्च, लुआ टॉर्च के जो मॉडल्स हैं हम उनको कन्वर्जन करते हैं, इनकी सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक, तो मतलब ये है कि पाइटोर्च वगैरह को भी कन्वर्ट कर सकते हैं? जी, यस वी कैन। फाइन। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स लाइक ऑन नोड प्रोसेसिंग इज गुड फॉर टू अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सही है कि मसलन सर्वर अगर आपका फेल हो जाता है, तो आपकी हर जगह पे प्रोसेसिंग जो है ना रुक जाएगी, डिसीजन रुक जाएंगे।
So there is a case if you want to change your model, right? तो आप सेंट्रल नोड पे तो डायरेक्टली चेंज कर देते हो, उसकी रिफ्लेक्शन सारे जो है ना वो ऑन नोड्स पे हो जाती है इन केस ऑफ यू नो सर्वर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. बट इन केस ऑफ एज कंप्यूटिंग या ऑन नोड जो है वो प्रोसेसिंग, उसमें ये चीज हम फिर किस तरह से करेंगे? उसमें मसलन आपने रेप्लीकेट करना होगा, दोबारा से जाके इंस्टॉल करेंगे, या एक इसके लिए टर्म यूज होती है मे बी CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एस्पोर्टेड बाई मैनी डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज. तो वो उसके ऊपर आपके कोई कॉमेंट्स हैं? जी, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें जो हमारे जो अपडेशन अपग्रेडेशन आएंगे उसके अंदर नए वर्जन आएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर हम अक्सर मोबाइल्स के अंदर देखते हैं मोबाइल एप्स होती हैं, जिस तरह अपडेशन आती है तो हमें कुछ नोटिफिकेशन या हम कोड के अंदर कुछ चीजें एम्बेड कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली हमारे एक सेंट्रल क्लाउड के ऊपर चेक करता है कि इफ देयर इज कोई हमारा नया वर्जन जो है वो अवेलेबल है, तो वो उसको डाउनलोड करके ऑटोमेटिकली वो जो है वो इंस्टॉल कर सके. तो ये फीचर्स जो है ये नोड के अंदर ऐड कर सकते हैं हम. और इसके अलावा हम इसके अंदर डॉकर एनवीडिया डॉकर वगैरह की जो चीजें हैं वो हम यूज कर सकते हैं. तो इसमें हम करें हम एक जो है अपनी इमेज बना के किसी सेंट्रल सर्वर पर रख देते हैं, तो जो हमारी जो नोड्स होती हैं वो कम्युनिकेट कर लेती हैं उससे, और जो हमारे पास जो न्यू वर्जन होता है वो इंस्टॉल हो जाता है उनमें. ठीक है, ओके. सो कैन आई आस्क मोर क्वेश्चन इफ टाइम अलाउज? थैंक यू. So my next question is, you ran your demo on your machine, on your computer machine, right? Yes, yes. Not the Jetson Nano. Yes. Okay. So इसमें ये है कि आपने FPS का तो comparison दिखा दिया, अगर memory का थोड़ा सा हमें बता दें कि memory, let's say मेरे पास अगर memory है Jetson Nano की 4 GB है या somehow कम है, किसी और process के लिए भी मैंने use कर लिया है, तो क्या Tensor RT would help in that case too? Let's say I have a limitation of memory. I can only use 2 GB memory, right? So उस केस में मुझे Tensor RT help करेगा या मुझे किसी और direction में सोचना पड़ेगा? जी जी, Tensor RT help करता है क्योंकि हम इसमें precision calibration कर रहे होते हैं. Precision calibration का मतलब यह है कि हमारे पास जो weights जो हैं, let's say वो उनकी data type floating point 64 के अंदर available है, तो हम उनको decrease कर रहे हैं उनकी precision को floating point 16 के अंदर या फ्लोटिंग पॉइंट इंट 8 के अंदर ला रहे हैं. इसका मतलब है कि जो उनके रिजल्ट्स जो आएंगे वो भी उसी के मुताबिक होंगे और वो मेमोरी ऑब्वियसली कम लेंगे आपकी. ठीक है, इसमें ये है कि थोड़ी सी एक्यूरेसी में भी जो है वो डाउनग्रेड हो जाए, राइट? एक्यूरेसी हो सकता है इसके अंदर कुछ हो, लेकिन आपको कंपेयर करना है, ट्रेड ऑफ है इसके अंदर. अगर आप एक्यूरेसी पे कम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो मेमोरी का आपकी लिमिटेशन है तो आप एक्यूरेसी पर थोड़ा कम्प्रोमाइज करें, अगर वो नहीं कर सकते तो आपको मेमोरी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए. मेमोरी को नए वर्जन जेटसन के अवेलेबल हैं, TX2 जेवियर वगैरह जो हैं, ज्यादा मेमोरी अवेलेबल है. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. थैंक यू सो मच जी. Any other question? Okay, मेरे ख्याल से यही है, तो हम इसको क्लोज करते हैं. तो इसकी जो प्रेजेंटेशंस है और इसकी जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं वो आपसे शेयर हो जाएंगी ईमेल के थ्रू, तो आप उसको देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.